भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर मतदाताओं ने 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 65.49% मतदान किया। यहां एक दो मशीनों की खराबी को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। वहीं बिजौलिया में मतदान के दौरान एक मतदाता की मौत हो गई। मतदान समाप्ति के बाद कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी का आभार जताया है। जनपत्नी को छोड़ के सबने किया, क्योंकि वो बाहर यूएसए गई हुई है, बाकी सब परिवार पर। तो आप वहाँ देखेंगे जब पेटी खुलेगी। बहुत बेहतरीन कैंपेन हमने चलाया है और जो मुद्दों को हम लेके चले हैं, एक युवा को रोजगार और एक पानी की समस्या, हमने कहीं कोई नेगेटिव इशू को नहीं लिया है और मेरे ख्याल से जनता ने वहाँ अपना मन बना लिया है और अभी बहुत शानदार रिजल्ट देखे। भीलवाड़ा लोकसभा सीट की 8 विधानसभाओं पर स्थापित किए गए 2219 मतदान केंद्रों पर सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान तेजी के साथ शुरू हुआ। दिन ढलने के साथ साथ गर्मी की तेजी के कारण मतदान प्रतिशत में उतार आया, लेकिन मतदान के लिए शाम 4 बजे के बाद फिर मतदाता अपने घरों से निकले और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मैं राजनीति विज्ञान के व्याख्याता हूं और वोट महत्वपूर्ण होता है राजनीति में, और इसीलिए मैं वोट देने के लिए आया हूं। मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, पैर हाथ और पसले टूटी हुई है, उसके बाद भी मतदान महत्वपूर्ण होने से मैं बूथ तक पहुँचा हूँ और विभाग ने इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। घर से एम्बुलेंस की व्यवस्था की है और यहाँ पर जो उन्होंने चेयर दी है, निर्वाचन विभाग का आभारी हूं इसके लिए। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 141 पर निर्वाचन विभाग के नियम के चलते 2 महिलाएं मतदान नहीं कर सकी। विभाग ने इस बार मतदान पर्ची के साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ भी साथ लाने के निर्देश दिए थे। ऐसे में दोनों महिलाएं मतदान केंद्र पर बिना आईडी कार्ड के पहुँच गयी, जिसके चलते उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। आधार कार्ड कम किया जो काम चले मकान। तो आपको जानकारी नहीं थी कि आपको आधार कार्ड या कुछ लेके आना था? ये तो नहीं, तो उसमें 12 ऑप्शंस है, 12 में से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं था? ये आपको जानकारी नहीं थी? ये घर पे आके आपको किसी ने कहा नहीं कि आपको ये लेके जाना है? अच्छा, वोट डालने में अच्छा हमेशा। लेकिन इस बार ये नियम हुआ है कि आईडी कार्ड आपको साथ में लाना पड़ेगा, तो क्या घर पे आके किसी ने आपको जानकारी दी थी? लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने को लेकर युवाओं में खासा जोश देखने को मिला। देश के विभिन्न कोनों में पढ़ने वालों के साथ ही नौकरी पेशा युवाओं ने भी भीलवाड़ा आकर मतदान किया। पहली बार मतदान करने के बाद उनका कहना था कि देश को मजबूत करने और इस महाभियान में आहुति देने के लिए वो यहाँ पहुँचे हैं। मतदान के बाद अब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 23 मई को ही ये फैसला हो पाएगा कि जनता ने किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा।